भूतों का मुर्दा घर वार्ड पर है। इंस्पेक्टर साहब जल्दी चलिए, बहुत बड़ा कांड हो गया है इंस्पेक्टर। अरे पहले शांत हो जाए, ऐसे चिल्ला रहा है जैसे कोई भूत देख लिया हो। वार्ड बॉय, उससे भी बुरा देखा है, जल्दी चलिए और अपनी आंखों से खुद देख लीजिए। वार्ड बॉय इंस्पेक्टर को मुर्दा घर में ले जाता है जहाँ पर कई बदबूदार लाशें रखी गई थी। इंस्पेक्टर, अरे तू क्या मुझे सड़ी हुई लाश की बदबू सुंघाने लाया है, इसलिए तेरे पसीने छूट रहे थे। वार्ड बॉय इंस्पेक्टर साहब, आप गुस्सा करने से पहले जरा इन लाशों को देख लो। इतना कहकर वार्ड बॉय कोल्ड स्टोरेज से एक एक करके लाशों को निकाल कर इंस्पेक्टर को दिखाने लगता है। इंस्पेक्टर, इन सभी लाशों की तो एक आंख नहीं है, इसका तो दिल ही गायब। अरे इसका तो किसी ने दिमाग तक निकाल लिया। वार्ड बॉय कोल्ड स्टोरेज से लाशों को निकालता जा रहा था जिसे देख कर इंस्पेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक गई। इंस्पेक्टर, मरने के बाद किसी की लाश के साथ ऐसी हैवानियत कौन कर सकता है। अरे ये मुर्दा घर नहीं बल्कि हैवानियत घर होना चाहिए, और कब से चल रहा है ये? तुमने पहले किसी को इसके बारे में कुछ बताया? बड़ा बड़ा जिसको भी बताता वो लोग मेरा ही मजाक उड़ाने लगते हैं। पर इंस्पेक्टर साहब, इन सब के अलावा एक बात और है, जिन जिन लाशों के अंग गायब किए हैं वो लाश रात 12 बजे निकल जाती है और 4 बजे वापस आते हैं। इंस्पेक्टर, ये क्या नई बकवास शुरू कर दी तुमने? अब भला लाश कैसे चल सकती है? तुमने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा बड़वाए, तो अब आप भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये सब सच है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आज रात आप खुद इस जगह पर रुक कर देख लीजिए। इंस्पेक्टर, वार्ड बॉय मुर्दा घर के अंदर 12 बजने का इंतजार कर रहे थे, तभी 1 घंटे की आवाज से सारा माहौल सुनसान हो गया। घड़ी में 12 बज गए थे जिसे देख वार्ड बॉय और इंस्पेक्टर की धड़कन थम सी गई थी। दोनों की नजर कोल्ड स्टोरेज पर थी कि तभी अचानक से एक एक करके कोल्ड स्टोरेज बॉक्स खुलने लगे। वार्ड बॉय, देखा ना सर, मैंने कहा था ना ये लाशें 12 बजे लाइन में कहीं जाती है। इंस्पेक्टर, पर ये सब जाती कहाँ है? चल पता लगाते हैं। दोनों लाशों का पीछा करने लगते हैं। इंस्पेक्टर की लाशें यहाँ इस तालाब में नहाने आते पर किस लिए, और ये सब कौन करवाता है? वो अभी इन सभी से इसका पता लगा कर रहूंगा। बॉर्ड बॉय, चलिए इंस्पेक्टर साहब, अब इन लाशों के लौटने का वक्त हो गया, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। अगले दिन इंस्पेक्टर एक हवलदार को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, इंस्पेक्टर मांगेराम, पिछले 1 महीने से मनमुर्दा घर में जितनी लाशों का जमा किया है मुझे उन सबकी लिस्ट चाहिए, जल्दी लेकर आओ। मांगेराम मनमुर्दा मुर्दा घर की सारी फाइलें ले आता है। मांगेराम, यह लीजिए सर उन सारे लोगों की फाइल जिनको अमरनाथ मुर्दा घर में रखा गया है। इंस्पेक्टर फाइलों को देखता है और तुरंत मांगेराम के साथ वार्ड बॉय के पास जाता है। इंस्पेक्टर, मांगेराम में हथकड़ी पहना है इस मुजरिम को, इसने जो जुर्म किए हैं उसके लिए इसको फांसी भी हो जाए वो भी कम। वार्ड बॉय, इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? आखिर मेरा जुर्म क्या है? इंस्पेक्टर, जुर्म? एक तो लाशों के साथ बदसलूकी किया, उनके अंगों को खाली बाजार में बेचता है और मुझसे पूछ रहा है कि मेरा क्या जुर्म है? लॉकअप में 4 डंडे लगेंगे तो तोते की तरह सब बोल पड़ेगा। हवलदार सर, गेंडे की खाल लेकर पैदा हुआ है, इसको मार मार कर मेरे पसीने छूट गए हैं, लेकिन मजाल है जो ये एक अक्षर भी बोलते, मैं तो थक गया हूँ, अब आप ही करो इसका जो करना है। इंस्पेक्टर खड़ा होता है और वार्ड बॉय से सच उगलवाने के लिए जाता है। इंस्पेक्टर, देख मुझे पता है तेरा बाप इन सब के पीछे, मैंने बहुत सिपाहियों में तेरा और तेरे बाप कर्जी पे पड़ा है, इसलिए अब सीधे से अपने बाप का पता बता वरना मैं मरूंगा नहीं, सीधे मार ही डालूंगा। वार्ड बॉय, हा हा हा, कि तुम्हें पता तुझे पता चलेगा? लेकिन इंस्पेक्टर, जैसा तू सोच रहा है ये खेल उससे बहुत बड़ा है, और हम पाप ने पुण्य का काम कर रहे हैं, पुण्य का। हा हा हा, इंस्पेक्टर कैसा खेल, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ बोलो, साफ बोलो। वार्ड बॉय, आज रात तुम उस काले तालाब के पास चले जाना, तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर वार्ड बॉय इंस्पेक्टर को कड़क स्माइल देता है और खुद ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाकर अपना सर उड़ा लेता है। वार्ड बॉय को खुदकुशी करता देख इंस्पेक्टर जाता है डर जाता है। हवलदार सर, रात के 1 बजे हम जाने के पीछे किस गैंगस्टर का इंतजार कर रहे हैं? इंस्पेक्टर मांगेरा, हम किसी गैंगस्टर का नहीं बल्कि हैवान का इंतजार कर रहे हैं जो यहाँ कभी भी आ सकता है। इंस्पेक्टर बोल ही रहा था कि तभी एक लाइन वाइज लाश तालाब की ओर आती दिखी जिसमें सबसे आगे वार्ड बॉय की लाश चल रही थी। हवलदार ने जब लाशों को एक लाइन से चलते देखा डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। हवलदार सर, ये मुर्दा लोग चल कैसे रहे हैं? और इनमें सबसे आगे तो वार्ड बॉय ही चल रहा है जिसने आपके रिवॉल्वर से खुदकुशी की थी। इससे पहले कि इंस्पेक्टर हवलदार से कुछ कहता है उसने देखा कि एक बुड्ढा शख्स काले तालाब के अंदर से निकलता है और सामने से आ रही लाशों के मुंह पर काला रंग पोत देता है। बुड्ढा, मेरे बेटे अनिल, माना कि तू मेरा बेटा था पर पाप तो हर इंसान से होता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद हिसाब चुकता हो जाता है लेकिन मेरी अदालत में मरने के बाद भी सजा मिलती है, हर उस जुर्म का हिसाब दिया जाता है जिससे कभी दूसरों को दुख पहुंचा हो। इतना कहते ही वो भागा अपने मंत्र को हिलाता हुआ मंत्र पढ़ने लगता है और वार्ड बॉय के चेहरे पर लगी काली को उसके चेहरे से उतरकर उसके दिल पर आ जाती है। बुड्ढा, मेरे बेटे, तूने हमेशा लोगों को धोखा दिया, अपनी बातों से उनका दिल दुखाया है, तेरी जुबान हमेशा कड़वी रही है जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है। वार्ड बॉय के जाने के बाद बुड्ढा शख्स दूसरे शख्स के पास जाता है और उसके मुंह पर काली खोद कर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। लाश के मुंह पर लगी काली को उसकी आंखें और दिल पर चली जाती है। अच्छा, तू तो बहुत पापी इंसान है, तूने हमेशा दूसरों पर गंदी नजर रखी और दूसरों के बारे में गलत सोचा, ले अब उसकी सजा भुगत। बुड्ढा शख्स से अपने एक हाथ से उसका दिल और दूसरे हाथ से उसकी दोनों आंखें
उसके जिन से निकाल लेता है और उसके बाद भी वह शख्स काले तालाब में नहाने के लिए चला जाता है। इतनी में इंस्पेक्टर और हवलदारों के पीछे से निकलकर सामने आ जाते हैं। इंस्पेक्टर, बंद करो अपना घिनौना इंसाफ। अरे तू होता कौन है इसके कर्मों का फैसला करने वाला? बुड्ढा इंस्पेक्टर विक्रम, तुम लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसने तुम जिसको तुमने पकड़ा था और 20 सालों की सजा दिलवाई थी, सिर्फ इस जुर्म में कि मैंने एक खूनी का खून किया था। अफसोस मुरारी, तुम सजा काट कर भी नहीं सुधरे। लेकिन इतना जान लो कि कानून की नज़र में हर वो इंसान गुनहगार है जो कानून को अपने हाथ में लेगा, समझा? और लगता है मुझे फिर सजा में ही दिलवाऊंगा। बुड्ढा, अरे सजा तो तब दिलवाएगा ना जब तू जिंदा बचेगा। बुड्ढा, जाओ इंस्पेक्टर को मार डालो। बुरारी के इशारा करते वार्ड बॉय के साथ आई और भी लाशें किसी भूखे भेड़िए की तरह इंस्पेक्टर को मारने चलती हैं। विक्रम विलासों को अपनी तरफ आता देख सतर्क हो गया। उसने तुरंत ही अपनी रिवॉल्वर निकाली और उन सभी के सर पर एक गोली मार दी, लेकिन उन लाशों को कुछ नहीं हुआ। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उन सब ने विक्रम को दबोच लिया। विक्रम भी जान के डर से छटपटाने लगा। मांगेराम विक्रम की मदद के लिए दौड़ा ही था कि वार्ड बॉय मांगेराम की तरफ आया और उसकी गर्दन को काट कर उसे मार डाला। इंस्पेक्टर मन में विक्रम कुछ सोच, अगर जल्दी ही तूने कुछ नहीं किया तो ये लाश तुझे भी कच्चा चबा डालेंगे। विक्रम अभी बोल ही रहा था कि उसे लाशों पर वो काला रंग दिखा और अगले ही पल विक्रम ने वो काला रंग अपने चेहरे पर गोंथ लिया। बुड्ढा, ये क्या किया तूने? तू तो जिंदा है, अभी मरा नहीं था। विक्रम ने जैसे ही वो काला रंग अपने चेहरे पर गोंदा, सारी लाशें अपने आप ही पीछे हट गए। लाशों के पीछे हटते ही विक्रम सीधा मुरारी के पास पहुंचा और मार मार कर उसको बुरा हाल कर दिया। विक्रम रात गुस्सों की बरसात कर देता है और मुरारी को लहूलुहान कर देता है। जब मुरारी की हालत पर से बदतर हो जाती है तो विक्रम मुरारी को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाता हुआ कहता है, इंस्पेक्टर अब जेल में अपने आप के साथ इंसाफ करता रही हो। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी नई कहानी का इंतजार कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।